हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपकी क्लास होगी 1 बजे, तो 1 बज चुके हैं, 1:06 हो गए हैं। और आज हम लोग 2 पेपर सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे जितने भी हो जाते हैं। और ये जो पेपर है, ये आपके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है GNTST PNST 2016 का पेपर मैं ले रहा हूँ, और ये है आपका 19 जून का। ठीक है, 19 जून का पेपर है ये, और सुबह की शिफ्ट वाला है 9 AM। ठीक है, 9 AM का पेपर है ये, और ये आज हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद रात को होगी एक क्लास 10 बजे 10 PM पर। ठीक है, तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। वो मैं आपको बता दूंगा कि 10 वाली क्लास आपको कहाँ देखना है और कैसे देखना है। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और ये भी देखेंगे कि भैया पेपर आपका पास में आ गया है तो आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है, आज 500 से ज़्यादा लोग आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे, तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे हम, और ये पेपर होगा आपके केवल और केवल PNST का। ठीक है, चलिए, ये PNST का ही पेपर है ना। ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपको आप देख पा रहे होंगे ना, तो GNTST PNST 16 19 जून का पेपर है ये। समय भी लिखा हुआ है 9 AM to 11 AM। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है आपका। चलिए, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में, और आपको ये भी पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर आता है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, शी द बेल इन अ हरी। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन ए रिंग होगा, ऑप्शन बी हेड रिंग होगा, ऑप्शन सी हैज रिंग होगा, हैज रंग होगा, या ऑप्शन नंबर डी हैव रंग होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। रात को जो 8 बजे वाली 10 वाली क्लास होगी, ये अन अकेडमी पर होगी। ठीक है, और आज उसमें मैं आपको कराऊंगा 2 अनसीन पैसेज। ठीक है, 2 अनसीन पैसेज 10 बजे। तो जो लोग नए हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर देना सर को, तो आपको भी जोड़ लेंगे। बिल्कुल फ्री क्लास है ना, और 2 अनसीन पैसेज इसमें हम करेंगे। तो इस पे आप व्हाट्सअप कर देना, लिख देना ज्वाइन PNST, तो आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न, शी द बेल इन हरी। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी द बेल इन हरी रिंग लिखा हुआ है, दूसरा हेड रिंग लिखा हुआ है, तीसरा हैज रंग लिखा हुआ है, और चौथा लिखा हुआ हैव रंग। तो देखिए शी के साथ रिंग में एस आता है, तो ये कटस। ऑप्शन को काटने की कोशिश करिए, देखिए हेड के साथ में रिंग नहीं आता है, तो ये भी कटस हो गया। फिर हेज के बाद में रिंग रैंग रंग, ये देखिए रिंग, फिर आपका आ जाता है रैंग, और फिर आपका आ जाता है रंग। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला। सर यहाँ हैव नहीं, हैव वाला भी आ सकता है सर, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि शी चूंकि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता है। बोलिए, आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए मैं एक बार और क्लियर करवा देता हूँ इसको, कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। आप लोगों ने आपके दोस्तों में भी शेयर कर दिया होगा, सभी को मैंने सुबह ही बोल दिया था आपको, क्योंकि मैं बार बार शेयर शेयर की कभी बोलता नहीं। उसका कारण है कि जिसको पढ़ना होता है वो वैसे भी आ जाता है ना। चलिए, शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में रिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ में रिंग्स आता है, तो इसलिए ये काट दिया मैंने। दूसरा ऑप्शन है हेड, लेकिन हेड के साथ में रिंग नहीं आता है, हेड के साथ में रिंग रैंग और फिर रंग आता है, तो ये इसको भी काट दिया अपन ने। फिर शी के साथ हेज तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रंग लिखा हुआ है, रिंग रैंग और रंग, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बोलो क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगला प्रश्न देखिए जरा, बिल्कुल मेघा गहलोत ने बहुत सही जवाब दिया है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है, मैं ये भी बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर का है। वैसे भी एग्जामिनर ने लिख के दिया है आपको कि भैया ये फ्रेजल वर्ब का है। काई का है? फ्रेजल वर्ब्स का। ठीक है, और ये बोल रहा है कि द चीफ गेस्ट द प्राइजेस। ठीक है ना, द चीफ गेस्ट द प्राइजेस। ऑप्शन है गेव ऑफ, गेव अवे, गेव अप, गेव आउट। सर इसमें ये गेव क्यों आ रहा चारों जगह? गेव तो सर सेकेंड फॉर्म होती है, बिल्कुल सेकेंड फॉर्म होती है। तो चीफ गेस्ट जो थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये जो प्राइस था ना, ये प्राइस दिया। तो प्राइस देने के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं गिव, और मैं क्यों बताऊं?
आप बताओ जल्दी से क्या आएगा सर। अनअकैडमी पर मजा आता है बिल्कुल, वहां पे लेंगे रात की क्लास 10 बजे वाली, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए जरा, वहां पे पेपर आपका बड़ा नहीं होता ना जूम, इसलिए मैंने एक क्लास यहाँ पे ले ली, ठीक है। जल्दी से बताइए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा कि रात को 10 बजे अनसिन पैसेज की क्लास है, ठीक है। द चीफ गेस्ट द प्राइजेस, तो यहाँ पर सही जवाब होगा गिव अवे। क्यों सर गिव अवे क्यों होगा? क्योंकि गिव अवे एक फ्रेज होता है, गिव अवे है ना, जिसका मतलब होता है वॉन, विन, विन का मतलब होता है जीतना, इसलिए इसका सही जवाब ये होगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। अगले प्रश्न में आपको ये बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपका आ गया प्रीफिक्स का। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। तो देखिए जो प्रीफिक्स होता है ये लगता है पहले, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग, और जो सफिक्स होता है ये लगता है बाद में, और इसको बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक वर्ड आ गया मेरे पास ऑनेस्ट, तो इस ऑनेस्ट में मैंने लगाया वाय, तो ये जो वाय लगा ये आपका क्या लगा पता है? ये आपका लगा सफिक्स, सफिक्स लगा है ये, सफिक्स मतलब प्रत्यय, ठीक है, ये वाय लगा है, ऑनेस्टी बन गया। जैसे एक वर्ड है हमारे पास ऑनेस्ट और इसमें लग गया एल वाय, तो ये एल वाय आपका क्या हो गया? ये एल वाय हो गया आपका प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है, जो पीछे लगता है प्रीफिक्स आगे लगता है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीफिक्स, एमबीगस, AMBI, एमबी का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, वेराइटी होता है, मेनी होता है, सिंगल होता है या बोथ होता है? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बोथ। तो ये ऐसे क्वेश्चन आगे आपके पूछे जाएंगे, है ना। और देखिए जरा ये देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ लिया इसने। आउट ऑफ द फोर वर्ड्स गिवन बिलो फाइंड द वर्ड विच इज अ सिनोनिम ऑफ एबेंडन। आपको ये बताना है कि भैया एबेंडन जो है, एबेंडन का मतलब होता है त्यागना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन आपके दिए हैं जैसे एक्सेप्ट होगा, एग्री होगा, लिव होगा या फिर माइग्रेट होगा। तो फटाफट बताएं कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है ना। जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, एक नंबर, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं बताया। वाह यार, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा फिर किसका होगा बताओ। हाँ हेलो, नहीं नहीं इंग्लिश इंग्लिश करवा रहा हूँ, अभी मैंने लिंक दिया आपको। देखो ले, मैं देता हूँ। चलिए बढ़ाइए आगे जरा। आउट ऑफ द फोर, हाँ विच इज द सिनोनिम ऑफ एबेंडन। देखिए एबेंडन का मतलब क्या होता है? एबेंडन का मतलब होता है लिव। लिव का मतलब क्या होता है? लिव का मतलब होता है फोरसेक, है ना, लिव का मतलब होता है फोरसेक, फोरसेक मतलब छोड़ना होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लिव। ये इसका क्या है? ये इसका सिनोनिम है ना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, एग्री मतलब सहमत होता है ना, माइग्रेशन बाहर भेजना, माइग्रेट करना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए जरा आपके सामने क्या है। लिखा हुआ है मेरी सेड नथिंग। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये किसका है? तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपके डिटरमिनर्स का। किसका? डिटरमाइनर्स। सर ये डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइनर्स का मतलब होता है सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है। मेरी सेड नथिंग बट शी ड्रैंक सम टी एंड एट ब्रेड। बताइए लिटिल ब्रेड, अ लिटिल ब्रेड, फ्यू ब्रेड, अ फ्यू ब्रेड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जोरदार। तो देखिए यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ब्रेड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, जैसे फूड हो गया, जैसे ग्रास हो गया,
है ना। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, ये सारी चीजें आपकी आती है अनकाउंटेबल में। और अगर अनकाउंटेबल में आती है तो फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अ लिटिल। सर लिटिल नहीं आ सकता, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, और लिटिल तब लगाते हैं जब लगाने को कहा जाए। जैसे जैसे आई एम, जैसे यू कांट राइट योर लेटर, यू कांट राइट योर लेटर, देयर इज, फिर यहां रिक्त स्थान, इंक इन दिस पोट, इन दिस पोट। अब वो बोल रहा है कि यू कैन नॉट राइट योर लेटर, तुम तुम्हारा लेटर नहीं लिख सकते। मैंने पूछा भैया क्यों नहीं लिख सकते, बोले कि भैया इस पोर्ट में इंक ही नहीं है, कैसे लिखोगे। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, लिटिल इंक। लिटिल का मतलब क्या हो जाता है आपका, लिटिल का मतलब हो जाता है न के बराबर। तो आपको ऐसा एग्जाम में दे के रखेगा वो। चलिए अगला प्रश्न बताइए जरा, कि आउट ऑफ द फोर वर्ड्स गिवन बिलो, चार वर्ड आपको दिए हैं, ए ए बी सी और डी। आपको बताना है फाइंड द वर्ड विच इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड है जो सही नहीं है, है ना। कौन सा वर्ड इसमें गलत है, जल्दी से बताइए जरा। सभी लोग लाइक कर देना, बिल्कुल आपको अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो अपने तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लाइक का मतलब क्या होता है, यूं थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी करना है कि लाइक कर दो। लाइक का मतलब मेरे को पता चलना चाहिए कि हाँ मतलब इतने लोगों को ये वीडियो मतलब पसंद आया। जबरदस्ती कोई मत करना है, मेरे को जबरदस्ती वाला नहीं चाहिए, असली वाले, असली जिनको अंदर, भले थोड़ी देर रुक जाओ देख लो आराम से, तुमको जब मन की गहराई से लग जाए कि नहीं यार ठीक है यार तो फिर कर लो, नहीं तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं अपने ना। चलिए आउट ऑफ द वर्ड्स फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली नॉट करेक्टली स्पेल्ड। तो देखिए सही ये है ओकेशन, है ना, ओकेशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसलिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, प्रैक्टिस हो गई अब आप लोगों की। रात में अनसीन पैसेज वाली क्लास में बिल्कुल आ जाना, है ना। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां पे वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि ज्वाइन PNST, है ना, 86, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए वहां पे ये जो क्लास होगी आपकी, ये आपकी अन अकेडमी पर होगी, रात को 10 वाली अनसीन पैसेज वाली। तो जो लोग नए हैं वो अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में उसके अंदर आप MPPSC एंड व्यापम में जाना। ठीक है, MPPSC के अंदर आप स्टेट PSC ऑप्शन में जाएंगे, तो वहां पे MPPSC एंड व्यापम कैटेगरी आपको दिखेगी। इसके अंदर आप मुझे फॉलो कर लेना श्याम मुजावदिया के नाम से, श्याम मुजावदिया। ठीक है, तो ये 10 से 11 की क्लास होगी, इसमें यहाँ पे कोड मांगेगा वो, तो आप कोड डाल देना SHYAM श्याम 3, ये कोड डालोगे तो ही क्लास खुलेगी, नहीं तो क्लास नहीं खुलेगी। ठीक है, तो ये याद रख लेना, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैंने नंबर दिया है ये वाला, इस पे आप देख लेना। चलिए अगली स्पेलिंग देखते हैं हम लोग। दो लोग अपटा भी गए, चलो बहुत बढ़िया, दो लोग अपटा गए मतलब डिसलाइक कर दिया उन्होंने, अपटा गए वो क्या रहे यार, ये आदमी क्यों पढ़ा रहा है इन सबको यार, ये सबका सिलेक्शन करा देगा अभी तो, कोई ना कोई अपटा गया बेचारा, कह रहे यार ये फ्री में क्यों पढ़ा रहा है यार, गलत बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, लीजिए देखिए क्या लिखा हुआ है। आई लिखा हुआ है, आई नेवर हैव अचीव्ड दिस विदाउट द इनकरेजमेंट ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर। ठीक है, अब आप समझिए, मस्ट आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा या शुड आएगा। सर ये क्वेश्चन का ही का है, ये क्वेश्चन है आपके मॉडल वर्ब का, किसका, मॉडल वर्ब। ठीक है, अपटा जाते हो उनको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता, पता ऐसे ऐसा चेहरा रहता है उनका, टेन टेन ये। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे, है कि नहीं, वो ट्रैक्टर के पीछे लिखा हुआ रहता है ऐसा,
शेयर कर देना जैसा कि आज 500 से ज़्यादा लाइक होनी चाहिए। आई नेवर अचीव्ड विदाउट द इनकरेजमेंट मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे टीचर इनकरेज नहीं करते, उत्साहित नहीं करते, तो क्या मैं ये हासिल कर सकता था? जी नहीं, मैं नहीं हासिल कर सकता था। अगर मेरे पिताजी मुझे पढ़ने नहीं देते या मुझे वो इनकरेजमेंट नहीं करते थे, तो फिर मैं क्या करता? मैं ये हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कुड, कुड मतलब सपना होता है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सभी को देना है आंसर। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, तुम जन्म प्रकार हो, हम जलवायु प्रकार हैं, सही है ना शुभम? अच्छा, ये कौन पूछ रहा है? सर, ओकेशन में कहाँ गलती है? अरे जी, ओकेशन में गलती नहीं है क्या? है ना, देखो, OCCASION, ये ओकेशन होता है। ओकेशन का मतलब होता है त्यौहार। त्यौहार पे, त्यौहार मतलब समझते हो? त्योहार, त्योहार मतलब दिवाली। जैसे मैं कब नहाता हूं? तो क्या आई ओकेशनली आई टेक बाथ, मैं त्योहार त्योहार पे नहाता हूं। तो ये ओकेशनली, ओकेशन की स्पेलिंग में एक ही एस आता है। और वो भाई साहब ने कितने एस दे दिए थे? देखो जी, ये इसने दो एस दे दिए थे, OCCASION, जबकि इसमें एक ही एस आता है। ठीक है, याद रखना। और ये भी लिख लो रे कॉपी में, ऑकरेंस की स्पेलिंग लिख लो कभी आ जाए तो। ये तुम्हारा ही पेपर है पीएनएसटी का, मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी तो पढ़ा रहा हूं। गारंटी की स्पेलिंग लिख लो, GURANTEE, गारंटी। बिलीव की लिख लो, BELIEVE, बिलीव। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए आगे अगला प्रश्न देखिएगा जरा। ये देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, सुनो इसको क्या कह रहा है ये। इवन वेन ये कंजंक्शन है ना, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ती है। इवन वेन यू विन अ मैच, यू ऑलवेज फील यू प्लेड बेटर। देखिए, जब भी कभी आप मैच जीतते हैं तो हमेशा आपको फील होता है कि यार, अरे यार, मैं और बढ़िया खेल सकता था यार, मतलब इससे भी बढ़िया खेल सकता था, ऐसा हमको फील होता है। ठीक है, तो अब बताइए, ऑट टू हैव, मस्ट हैव, कैन हैव, कुड हैव। देखिए, सुनिएगा, सकता था, सकने का क्या होता है? देखिए, इसका होता है चाहिए, इसका होता है चाहिए, इसका होता है सकना, कैन का, और कुड का भी होता है सकना। तो चलो जल्दी से बताओ, कौन से वाला, कैन हैव लगाएं या कुड हैव? काजल, सपना, सलोनी, दिनेश, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। वैशाली, ज्योतिमा सिंह, पार्थ, सीमा धाकड़, काजल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा कुड हैव। हमेशा याद रखना, कुड हैव प्लेड बेटर। जैसे एक बात और ध्यान रखो, तुम अच्छा खेल सकते थे, यू कुड हैव प्लेड बेटर। कभी किसी को बोलना हो ना कि तुम और अच्छा खेल सकते थे, तो यू कुड हैव प्लेड बेटर। जैसे किसी को, जैसे अपन बोलते ना, और यार अभी तक तो मेरी शादी हो जाती, तो आई वुड हैव गॉट मैरिड, इसको ऐसा बोलते हैं। और यार मेरी अभी तक तो नौकरी लग जाती, आई वुड हैव गॉट अ जॉब। तो जब भी इस तरह की चीज होती है तो वहां पे ये यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा, इतना आसान क्वेश्चन है ये तो कि आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे। लिखा है, हेल्थ इज देन वेल्थ। जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको बोला था मेरा एक चैनल है, जिस चैनल का नाम है श्याम मुजावदिया। इसी चैनल के नीचे उसकी लिंक दे रखी है, उस पर मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। तो आप वो जो वीडियो है उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके वीडियो अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, अपने घर पे बताएं, मम्मी पापा को भी बताएं, क्योंकि उसमें जो बातें हैं वो सारी मोटिवेशनल है, आपके काम की है ना। तो इस एग्जाम में जाने से पहले बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कल एक वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें कि एग्जाम में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप जरूर देखना इसमें। ठीक है, तो ये सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पे भी इसकी लिंक रखें ताकि लोग देखें कि क्या है इसके अंदर।
चलिए, हेल्थ इज देन वेल्थ। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। देखो सुनो, कभी भी THAN देन आ जाए तो हेल्थ इज वेल्थ, दो चीजों का कॉम्पेरिजन हो रहा है, और जब कॉम्पेरिजन हो रहा है, हाँ बड़े हैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, जिसने भी शेयर की, जिस जिसने भी सब्सक्राइब किया और जिस जिसने भी शेयर किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपकी सबकी जॉब लगेगी, वो तो वैसे भी लगेगी, कोई नहीं भी करेगा सब्सक्राइब तो भी उसकी भी लगेगी, है ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ कहीं यूं मत सोचना कि सर ने कह दिया कि जिसने किया उसकी लगेगी, ऐसा नहीं है, सबकी लगेगी। हेल्थ इज देन वेल्थ, तो यहाँ आ जाएगा मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। अब आपके सामने एक वर्ड आया है, देखिए वर्ड क्या है, बहुत ही इजी है। प्रीफिक्स का क्वेश्चन आ गया, क्या आया भाई साहब? DYS, DYS इन द वर्ड डिसफंक्शनल। तो डिसफंक्शनल में DYS क्या है यार, ये प्रीफिक्स कहाँ लगता है? क्यों जी, प्रीफिक्स कहाँ लगता है? तो कि सर प्रीफिक्स तो सर पहले लगता है, और सफिक्स कहाँ लगता है? शिवानी में हो चला लेंगे बस, कैसे चलाते उसको, मैंने भी की, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, मैंने तुमको ईमानदारी से अंग्रेजी पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? तुम्हारी जैसे वैकेंसी आई ना, तुमको मैंने भले कहीं पे भी पढ़ाई, यूट्यूब पे या अकेडमी पे कैसे भी करके पढ़ाया, तो है ना ईमानदारी से सच बताना है, नहीं पढ़ाई? कोई बात नहीं, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, चिंता मत करो। एक्स्ट्रा नॉर्मल, एबनॉर्मल या रेगुलर, इतना तो जहां तुमने कोचिंग कराई होगी ना, जिस कोचिंग क्लास पे, और जहां तुमने पैसे भरे होंगे ना, उन्होंने भी पूरे साल भर में नहीं पढ़ाया होगा तुमको, इतनी अंग्रेजी मैंने तुमको यहाँ पढ़ा दी है अभी इतने दिनों में है। और अब आगे ध्यान रखना कि अगली एग्जाम के लिए पहले से कोचिंग करा लेना आप टाइम से। Layer 3 एजुकेशन का ऐप है, Layer 3 एजुकेशन, उसके अंदर मैं एक अभी PNST का कोर्स चालू करूंगा थोड़े दिन बाद, जैसे आपकी एग्जाम हो जाएगी। ये जो कोर्स है ये आपका 1 साल का रहेगा आराम से, कितने साल का रहेगा? 1 साल का। तो आप आराम से इसमें साल भर तक तैयारी करो, है ना, हालांकि तैयारी तो आपकी 3 महीने में हो जाएगी, लेकिन साल भर तक आप पढ़ते रहोगे इसमें, ऐसी व्यवस्था रखेंगे अपन इसमें, ठीक है? तो ये आप ऐप डाउनलोड करके रखना, ताकि आपका जो है जब भी आएगा कोर्स तो उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। Layer 3 एजुकेशन का ऐप है, तो उसके अंदर आपको साल भर तक पढ़ाते रहेंगे, ताकि अगली एग्जाम आप जब दो, कोई सी भी, जैसे GNTST आएगी, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाए, और घर बैठे बैठे पढ़ोगे आप, कहीं कोचिंग वोचिंग जाने की जरूरत नहीं है अपने को इंग्लिश के लिए, आराम से अपने घर बैठे बैठे पढ़ेंगे अपन, ठीक है? चलिए, इसका मतलब हो जाएगा आपका एबनॉर्मल। देखिए आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप कह रहे हैं ना, तो वो इतने वास्ट सब्जेक्ट होते हैं कि इतने कम समय में अपन तैयारी नहीं कर सकते उनकी, है ना, इसलिए हम उनके क्वेश्चंस आपको मनीष सर रेगुलर करवा रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। PNST का कोर्स यूं तो आप अभी 5 दिन वाला भी अवेलेबल है, 5 दिन में भी कर सकते हो, क्रेश कोर्स, है ना, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ। चलिए अगला वर्ड देखिएगा जरा। आउट ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बिलो फाइंड द वर्ड विच इज अ सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। जल्दी से बताइए, अभी एक 5 दिन का कोर्स भी है, आप Layer 3 एजुकेशन के स्टार ऑप्शन, स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना, 5 डेज का, वो भी आप ले सकते हैं, जिसको जल्दी रिवाइज करना है अभी के एग्जाम के लिए। आउट ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बिलो फाइंड द वर्ड विच इज अ सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। देखिए एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है दुख, क्या होता है? दुख होता है, ठीक है? तो आप बताइए, वेराइटी, डिफिकल्टी, वेल्थ या हैप्पीनेस, कौन सा इसका सही जवाब होगा? एडवर्सिटी का, फटाफट बताएं, एडवर्सिटी का सिनोनिम क्या होगा? बहुत बढ़िया, एडवर्सिटी का सिनोनिम होगा डिफिकल्टी, ठीक है, क्या होगा भाई साहब? डिफिकल्टी होगा। और वेल्थ क्या होता है सर? वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, है ना, एक देखो एक रिजोइस का मतलब भी खुशी होता है, रिजोइस, रिजोइस पता है, रिजोइस का मतलब खुशी होता है। देखो रिजोइस नाम का एक साबुन आता है, देखो जो नहाता होगा उसको पता होगा,
जो नहाता होगा ना उसको सब पता होगा कि रिजॉइस नाम का एक साबुन आता है और उसका मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। अब तुमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो हो सकता है अपने को नहीं जानकारी हो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार। देखिए अब आप देखिएगा, जो मैंने आपको डिग्री पढ़ाई है, जिन लोगों ने जैसे कोर्स में पढ़ा होगा, अभी जिन्होंने कोर्स लिया है अभी, उन्होंने डिग्री मैंने जो पढ़ाई है, ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है ना। आवाज बहुत सुनाता है, रुको। चलिए अब नहीं आता सर। वाह वाह, ऐसे थोड़ी होता है क्या, एग्जाम में सिलेबस है अपना। चलिए, इंदौर किस किस का सेंटर पर? आप तो नहीं नहाते सर। मैं नहीं नहाता हूँ, मैं भूत आदमी हूँ, इंसान नहाते, मैं भूत हूँ। दिस इज प्ले, तुम रात के क्लास में आना, फिर तुमको पता चलेगा रात में कैसे कैसे भूत आते। अपने आप लिखा था इस पे स्क्रीन पे, मैं नहीं लिखता हूँ ना, तो भी अपने आप लिखा जाता है। भले पूछ लो रात को जो आए थे उनसे, वो ऐसे भूत भी आते हैं रात को। तुम आना आज 10 बजे वाली क्लास में, तुमको पता चलेगा रात को 10 से 11, और आज तो और 10 से 12 चलेगी रात को। कोई है ऐसे? चलिए तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दैट आई हैव एवर हर्ड ऑन द रेडियो। तो इसका सही जवाब होगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये वाला। क्यों सर, ये क्यों आया, ये दूसरे क्यों नहीं आए? दूसरे इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पर देखिए दैट लिखा हुआ है। ये जो दैट है, THAT दैट, ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, तो उस रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जो आती है, इसके साथ क्या लगता है? इसके साथ मैं आपको बता दूं, मैं द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, ये इसका साइड से आप ही लिख रहे थे, कोई लिख रहा था, मैं तो अपने आप लिखा रहा था, मैं तो उधर चला गया था साइड पे। तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो कॉपी में एक चीज लिखिएगा आप अपनी, कि जब किसी सेंटेंस में पीछे दैट रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगती है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिएगा जरा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पे पूछूंगा। इसको इसको मत देखो अभी, जो मैं पूछ रहा हूँ वो देखो आप। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और यहाँ आ गया रिक्त स्थान, आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन। अब आपके पास चार ऑप्शन आ गए। क्या आ गए? आपका हाथ दिख रहा था। अच्छा, नहीं यार, मैं तो उधर चला गया था अपने आप। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी रात में। चलिए, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बताइए इसमें हु लगाऊं, विच लगाऊं, होम लगाऊं, या फिर दैट लगाऊं, THAT। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक नंबर पक्का। दिस इज द मोस्ट एडोरेबल चाइल्ड इन दिस क्रश। बिल्कुल सही लिखा आपने। प्रियंका, तुम्हारा कहाँ गया है? चलिए ये लिखिए जरा आप, इसमें क्या लगाया जाए, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, हु लगाएं, विच लगाएं, होम लगाएं, या दैट लगाएं। अच्छा, हाथ दिख गया था यार, मेरे को थोड़ा ऊपर करना था उसको, लैपटॉप। चलिए, मंदसौर वाले कौन कौन है रे, ढंग से पढ़ लेना, सब नाम रोशन कर देना तुम। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा THAT दैट। क्यों सर, कैसे पता चला दैट? कैसे हो जाएगा दैट? ऐसे हो जाएगा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर लिखा हुआ है, और द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है? द मोस्ट ब्यूटीफुल है सुपरलेटिव डिग्री, और जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ THAT दैट का प्रयोग किया जाता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग, एक नंबर। इसको कॉपी में लिख लेना, एक नंबर की बात है। चलिए अब जरा आगे बढ़ाते हैं गाड़ी, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है आपकी स्क्रीन पर, और इसको आप करके बताइए जरा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिए लिखा हुआ है द बर्ड्स, फिर यहाँ लिखा हुआ है एंड देयर एम्प्टी नेस्ट इन द बेयर ट्रीज वर फिल्ड विथ स्नो। इसका मतलब समझाऊं,
देखो सुनो 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 सुनो, सर आप कहाँ से हो? मैं मंदसौर से हूँ। द बर्ड्स है ना, एंड देयर एम्प्टी नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है घोंसले। इन द बेयर ट्रीज, बेयर का मतलब होता है खोखले, बेयर ट्रीज वर फिल्ड विथ स्नो, मतलब है ना वो जो पेड़ था ना, उस पेड़ के अंदर जो पेड़ में जो घोंसले थे खाली, उनमें है ना बर्फ घुस गया। तो आप तो इतना हिंदी मत करो, ये बताओ द बर्ड्स प्लूरल है ना, तो एग्जाम में क्या करना, एग्जाम में ऐसे कट्टस करना, कट्टस, ठीक है। फिर दूसरा है वो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्लो फ्ल्यू और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, द बर्ड फ्लाई, उड़ गई ना, देखो फ्लाई होता है, ठीक है। तो फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लो और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। मैं भी मंदसौर से हूँ पायल पाटीदार। तो क्यों पायल पाटीदार मंदसौर से है? तो कोचिंग नहीं आई मंदसौर में, अपने कोचिंग चल रही थी बढ़िया पीएनएसटी की, इंग्लिश की। देखो जो जो मंदसौर के आसपास वाले हैं उनको मैं बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस चल गई है लेयर 3 पे, ठीक है, लेयर 3 की ऑफलाइन क्लासेस चल गई है। तो जो लोग अंग्रेजी की गणित की तैयारी करना चाहते हैं वो आ सकते हैं कोचिंग पे, ठीक है। हाँ, और अभी अगली नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मतलब आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी के लिए आ सकते हैं। तो बर्ड्स फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, फ्लोन कहाँ है ये देखो, ये कट्टस हो गया, गलत है, ये भी कट्टस हो गया, फ्ल्यू हेड फ्ल्यू, तो सही जवाब हो जाएगा हेड फ्लोन, ठीक है। हाँ, जो भी मंदसौर के आसपास के हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी इंग्लिश की क्लास लेयर 3 एकेडमी पर चलती है, लेयर 3 एकेडमी। अभी ये एकेडमी कहाँ है? अभी ये चौधरी कॉलोनी में चल रही है, ठीक है, चौधरी कॉलोनी में चल रही है। तो आप यहाँ पर ऑफलाइन भी आकर पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़ना हो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं लेयर 3 एजुकेशन के ऐप से, जैसा भी आपकी इच्छा हो, है ना। चौधरी कॉलोनी में चल रही है, आप फ़ोन लगा देना, सर से पूछ लेना, इस नंबर पे सर बता देंगे कहाँ पे है, जिसको भी आना है, ठीक है। जो लोग बाहर के हैं वो ऑनलाइन पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। टाइम सुबह है, अभी सुबह 8 बजे मैथ्स का टाइम है और 9 बजे इंग्लिश का टाइम है, फिर एक नई बैच अभी शाम को चालू होगी इवनिंग में, एक बार पूरी इंग्लिश तैयार कर लेना अच्छी सी, ठीक है। और जो बाहर वाले हैं ये ऑनलाइन पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और जो यहाँ वाले हैं वो कोचिंग आओगे तो और वहाँ पे और अच्छा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलिए, टाइम अभी सुबह का है, फिर शाम का करेंगे। द टीचर सेड द सन राइसेस इन द ईस्ट, बताइए इसका नरेशन क्या चेंज होगा? नाइस सर, आई एम फ्रॉम सतना मध्य प्रदेश, रॉयल गेमिंग, बिल्कुल रॉयल गेमिंग, बढ़िया है ना, अच्छी बात है। चलिए ये बताइए, ए बी सी और डी, रॉयल गेमिंग मैंने देख लिया मैसेज, बार बार मत करो, वो अच्छा नहीं लगता, अपन सभ्य परिवार से हैं, अच्छे लोग हैं, तो ऐसे बार बार अच्छा नहीं लगता अपने को। अब अपन धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं ना। चलिए, इसका कौन सा वाला सही होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। नहीं, ब्लॉक नहीं करते हम, अच्छे, ये अच्छे बच्चे हैं तो समझते भी, ऐसी बात नहीं है। द सन ऑलवेज रोज होगा, द सन हैड राइजन होगा, द सन रोज होगा, द सन राइजेज होगा, जल्दी से बताइए। सभी को आंसर देना है। देखिए ये आपकी स्पीच है, क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है कि इसमें है ना द सन राइसेस इन द ईस्ट लिखा हुआ है ना, तो ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ऐसा का ऐसा ही रहता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है ये? यूनिवर्सल फैक्ट, और यूनिवर्सल फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। बोलिए, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, एक नंबर। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कुछ नहीं करना है, मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आपको इसका एक्टिव पैसिव करना है, ठीक है। Why was such a letter written by you? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। अनअकैडमी मेरे कमेंट आप पढ़ते ही नहीं सर, छाया।
पढ़ लूंगा, आज पढ़ लूंगा बढ़िया, है ना। मेरे किसी से दुश्मनी थोड़ी है क्या यार, तुम लोग ऐसे करते हो सर, मेरे कमेंट नहीं पढ़ते। तुम मेरे कमेंट नहीं पढ़ते, ऐसा तो है नहीं कि तुम लोगों ने मेरी सगाई तुड़वा दी थी इसलिए नहीं पढ़ता मैं, है कि तुम लोग मेरी शादी में 2 बार जिम गए थे, हैं कि तुम लोगों ने मेरे घर वाली को भड़का दिया था, ऐसा तो है नहीं। तो मेरे कोई किसी से जाति दुश्मनी तो है नहीं, बट वो किसी किसी का क्या होता है कि कमेंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो तुम इतना वो उसको अपने ऊपर मत लो। मैंने अभी किसी की शक्ल नहीं देखी है, ठीक है, मेरे लिए सब एक जैसे ही है, मेरे लिए सब नाम है अभी यहाँ पे, पूजा, नेहान, प्रेरणा, सब एक जैसे हैं। वाई वॉज सच अ लेटर रिटर्न, तो वॉज रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर वॉज रिटर्न लिखा हुआ है तो एस आपको मैं बता दूं कि ये जो वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसका एक्टिव जो होता है तो उसको बोलते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, हरभजन सिंह, प्रियंका रोके, ओके, मेघा गहलोत, मेरे भी कमेंट नहीं पढ़ते। हाँ, तुम मेरी शादी में 2 बार जिम गई थी ना, तुम इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, हाँ इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ। चल, नेहा उड़दे, हाँ आपने मेरी सगाई तुड़ाई थी इसलिए नहीं पढ़ता हूँ। मनोजा सिंह, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। मंदसौर में कहाँ रहते हो? मंदसौर में मैं मेरे घर पे ही रहता हूँ, अपने ही घर पे रहता हूँ मैं। मुझे पड़ोसियों ने कहा बहुत सारी बार कि हमारे यहाँ भी रहो सर, पर मैं तो मेरे घर पे रहता हूँ, मेरे को यही अच्छा लगता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पे इसका रिवर्स में क्या होगा, सेकेंड फॉर्म, ये देखिए वाई डिड, बोलो क्लियर है ये, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। सो मेरे तो अभी हो जाएगा सिलेक्शन, तो मैं नहीं आऊंगी एग्जाम के बाद। प्रियंका साहू, बिल्कुल, एग्जाम सिलेक्शन तो सबका होगा, लेकिन बाद में तुमको स्पोकन पढ़ाएंगे, फिर इंग्लिश बोलना ऐसे फर्राटेदार, वहाँ नौकरी करने जाओ ना, वहाँ ऐसी इंग्लिश बोलना कि लोग बोलेंगे कि आओ मैडम सीट कुर्सी बैठो, आप तो टेंशन मत लो ज़्यादा, फिर इंग्लिश बोलने से आराम से कुर्सी बिठाएंगे, जमा जम मजा आएगा फिर जिंदगी का, है कि नहीं। चलिए, आउट ऑफ द फोर सेंटेंस गिवन बिलो फाइंड द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है। एक सेंटेंस करेक्ट है और बाकी के गलत है, तो आप बता सकते हैं क्या कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है, जल्दी से बताइए जरा। विशाखा सर, मेरे को भी आना है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में आ जाना अभी से, जिनको आना हो समय रहते। हाँ हेलो, इंग्लिश क्या हुआ? मैं अभी करवाता हूँ थोड़ी देर से, है ना। हाँ, चलिए, नाइदर रीता नोर हर सिस्टर, अब सुनो इसको कैसे करना है। नाइदर रीता नोर हर सिस्टर्स आर कमिंग टू द पार्टी, नाइदर रीता नोर हर सिस्टर्स इज कटस कर दो, नाइदर रीता और, नाइदर के साथ और नहीं आता है, कटस कर दो, आइदर रीता नोर इसको कटस कर दो, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सुनो लॉजिक क्या है, आइदर आइदर और नाइदर नोर, नाइदर नोर, इन दोनों में देखा जाता है किसको, पीछे वाले को, ये मैंने सिखाया था आपको, जैसे यहाँ नाइदर ही और आई आ जाए तो पीछे वाला आई है ना, तो आई के हिसाब से क्या आएगा, एम आएगा, ये इसका लॉजिक है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न देखिए जरा, ये मैंने आपको कल रात को जो 10 बजे क्लास पढ़ाई थी, मैंने उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, है ना। हेलो, पहुंच गई है, ठीक है, कहाँ है, कौन है वहां पे? आशीष, आशीष बात कर, कहिया वहां पहुंची कि मुया होती तो घंटों खाना हुई कि उनकी खेन गई है, हम होती रहो उनकी खेन गई है, चलो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ही सेड बर्गलर्स ब्रोक इन टू माई हाउस लास्ट नाइट, चलिए जल्दी से बताइए। सर आपके पास इतने फोन आते हैं, अब आते ही हैं, अब क्या करें,
सबका देखना पड़ता है। अभी मेरी घर वाली को बिठाया मैंने, वो ससुराल गई ना, मेरे ससुराल, तो इसलिए वहां से फोन आया कि मैं पहुंच गई। मैंने कहा ठीक है, इसलिए फोन आया था। अब उसका फोन उठाना पड़ता है मालूम। मैंने तो फिर ये तुम्हारी क्लास अगली वाली लेना है कि नहीं लेना फिर रात को 10 बजे सर स्टडी करना आएंगे तो चलेगा। हाँ तो स्टडीज तो करना आएंगे वहां, और क्या करेंगे फिर, मजाक करेंगे। चलिए, अरे मेरी घर वाली वहां पहुंच गई, जो फोन लगा रही थी मैं पहुंच गई, तो इसलिए मैं उसको कह रहा था। मैंने कहा ठीक है। चलिए देखिए, बर्गलर्स ब्रोक इनटू, तो ये ब्रोक जो है ये आपका है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कोई कोई आदमी बैठा बैठा सोच रहा होगा ये इसके लक्षण तो लगते हैं अंग्रेजी के मास्टर के हैं, कि ये क्या अंग्रेजी का मास्टर है क्या यार, लक्षण तो दिख रहे हैं यार, है इसीलिए तो 400 लाइव देख रहे हैं क्या हैं। अभी अंग्रेजी के लक्षण होते ना मेरे अंदर, तो ये यहाँ 40 लाइव होते। कितने? 40। वो भी अपटा अपटा के पढ़ रहे होते हैं सर, अपने आप कोई अपटाता नहीं है। चल, बर्गलर्स ब्रॉक, ब्रॉक जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हेड थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं अपन। ये यहाँ है क्या? हाँ यार यहाँ है। हाँ यार ये दो कट्टस कर दो, ये दिमाग खराब करेंगे अपना। फिर इसमें और आगे देखो, इसमें देखो लास्ट नाइट लिखा हुआ है। ठीक है सर, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी। और रियली थैंक यू सो मच। और बोला ना, चलो सर हमको दूर पड़ेगा, सर दूर पड़ेगा तो ऑनलाइन पढ़ लेना, लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको पूरा GNST का पढ़ना मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ हैड ब्रोकन, हेड ब्रोकन, और ये हैव ब्रोकन, ये तो कटस कर दिया। अब प्रीवियस नाइट, ये देखिए द प्रीवियस नाइट, बोलो क्लियर है? चलिए फटाफट 400 करने अपने को, क्या दिखे सर ये मालवी में आप बोलते हैं? हाँ जी, मालवी है ये, मालवी तो मालवी होती है, हमारे दिल की धड़कन है, मजा आ जाए जिंदगी को। लो चलो 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 चलो, अगला प्रश्न देखो फटाफट फटाफट। फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट। अब यहां पर आपको बताना है कि आर्टिकल यहां पर क्या आएगा। अपटाने वाले अपटाते रहते हैं, अपने नहीं अपटाना। चलो, फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट, इसमें ए लगाएं, एन लगाएं या द लगाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा ये अच्छा क्यों है। कौन पूछ रहा है ये? आयुषी पूछ रही कि सर हेड कैसे? आयुषी देखो, ये जो ब्रोक है ना, ये ब्रोक है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसका पैसिव बनता है हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसलिए इसका हेड थर्ड फॉर्म आया। ओके, थोड़ा जल्दी, चलो जल्दी जल्दी करते, चलो फटाफट फटाफट। देखिए इसका सही जवाब जो आ जाएगा, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसका सही जवाब द आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि द फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीट है, ऐसे स्वीट जो कि फॉरबिडन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? मीठे होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट 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 फटाफट। अपने को जाना है जिम ने, जाना है जिम ने, जाना है, चलो फटाफट। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या आएगा। द अरेबियन नाइट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बुक्स ऑफ ऑल टाइम, तो इसका सही जवाब जाएगा इज। चलिए ठीक है, ऐसे नहीं करना, अपने को समझना भी है वहां पे फटाफट। मेरे को तो सब आता है, तुमको सिखा रहा हूं मैं। देखो, फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट, मतलब कि जब आप छोटे छोटे थे तो आपने देखा होगा कि आप छोटे छोटे कहीं झाड़ियों में, कुएं वगैरह पे, वो झाड़ियां जहाँ पे बेर लगे हुए होते थे छोटे छोटे, याद है तुमको? तुम्हारे कांटे चुभ जाते थे लेकिन तुम तो भी परवाह नहीं करते थे। लेकिन आज तुम ये देखते हो कि कितनी डिग्री का तापमान है ना? लेकिन पहले हम दिन दिन में दो दो ने तीन तीन बजे उधर कुएं पे जाते थे बेर खाने के लिए, तो उनको बोलते हैं फॉरबिडन फ्रूट। या फिर आपने देखा होगा जामुन खाने जाते थे अपन, पेड़ पे चढ़ते थे ऊपर, है ना? या फिर आपने देखा होगा कि वो सैतूत, सैतूत खाने जाते थे, अब तो दिखती भी नहीं है वो सैतूत, जाते थे, तो वो फ्रूट कहलाते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब जिनको भूल गए हम, है ना? तो जिनको भूल गए तो वो बड़े मीठे है होते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा द। ये जो पेपर है ये आपके PNST का ही पेपर है। और दूसरी बात, आज आपकी जो क्लास होगी वो होगी रात को 10 बजे, कहाँ पर होगी सर? ये होगी अनअकैडमी पर। क्या कराओगे सर उसमें? उसमें अनसीन पैसेज कराएंगे। कितने कराओगे सर? दो कराएंगे। कैसे समझाओगे कि बिना अनसीन पैसेज पढ़े प्रश्नों के उत्तर अपने को एग्जाम में कैसे देना है? तो ये अनअकैडमी का आप ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपकी क्लास होगी
अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, 7499 86। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सर। अब अभी टाइम नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ा दीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, टाइम है अपने पास, चिंता मत करो आप। उज्जैन किसका है सर? आराम से पढ़ाई, मैं तो आराम से ही पढ़ा रहा हूँ। देखो, जिसको जाना हो दूसरे दूसरे चैनल पे चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो मेरा मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा। देखिए, द अरबियन नाइट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स। अब आपको ये बताना है कि इसमें इज आएगा या आर आएगा या वर आएगा या हैव आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए जरा। सैतूत क्या होता है? सैतूत होता है सर, पीडीएफ सेंड कर देना। ये पीडीएफ आप बिल्कुल आपको मिल जाएगी, है ना, इस नंबर पे मैसेज कर देना, सर दे देंगे। चलिए, खुद से क्वेश्चन, खुद से आंसर, बिल्कुल। देखिए, द अरबियन नाइट्स इज क्यों आया? क्योंकि ये बेस्ट बुक्स है। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न देखिए जरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मैं भूल गया था, फॉरबिडन मना करना। हाँ, मना करना होता है, मना करना होता है वहां पे क्या? फॉरबिड, हाँ, मना करते हैं। हाँ, मतलब एक तरह जिनका अपन भूल चुके हैं, ऐसा ही कुछ उसका मीनिंग है। आप सही कह रहे हो वैसे। चलिए, ये बताइए जरा, कल की पीडीएफ नहीं, नंदिनी। देखो, नंदिनी सीरियस होके पढ़ रही है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, सही बात कह रहा हूँ मैं, ढंग से पढ़ो रे। देखिए, शूज जो होते हैं, हमारे पैर में शूज होते हैं, हम लोग क्या पहन के घूमते हैं? हम लोग शूज पहन के घूमते हैं। तो वो जो शूज होते हैं, वो शूज क्या हो जाते हैं? बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, अपन मंदिर में जाते हैं तो उससे पहले अपने को क्या करना चाहिए? अपने को उनको टुक ओवर करना चाहिए, टुक आउट करना चाहिए, टुक ऑफ करना चाहिए, टुक इन, ये वाला कल बताया था मैंने, है ना। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा टुक ऑफ, उनको उतार देना चाहिए। बस सिंपल सा गणित है ना। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, एक नंबर। अगला प्रश्न बताएं जरा, 21 वाला। ये देखिए कितना साधारण सा क्वेश्चन है, करेक्ट पैसिव वॉइस। इस पेपर में आप पूरे 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, ठीक है, 30 out of 30। तो जरा बताइए, डज शी मेक कैंडल्स, इसमें सही जवाब क्या होगा? छाया। बढ़िया छाया। सर आर क्यों नहीं आया? अरे साक्षी, तुम रुलाओगी मेरे को, अभी सच कह रहा हूँ यार। अरबियन नाइट्स जो है ना, ये बेस्ट स्टोरी बुक्स में से एक है। वन ऑफ, वन का मतलब होता है एक, तो जो बहुत सारी बेस्ट स्टोरीज बुक है ना, उसमें अरबियन नाइट्स भी एक बुक है, तो इसलिए इसके साथ इज आया। समझ गई। ऑफलाइन क्लास कब रहती है सर? ऑफलाइन क्लास सुबह रहती है, सुबह 8 बजे मैथ्स की रहती है और 9 बजे इंग्लिश की रहती है। ठीक है, जिसको आना हो आ जाना। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए जरा। अगला प्रश्न मैं बताता हूँ आपको, ये रहा आपका, इसका आपको पैसिव बनाना है। कैसे बनाओगे? डज शी मेक कैंडल्स, डज शी मेक कैंडल्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, इससे क्या होगा, सबसे पहले कैंडल्स को आगे लेके आएंगे, तो कैंडल्स आगे लेके आएंगे तो इसमें इज भी है और कैंडल्स में यहाँ पे आर भी है, तो इज तो कर दो करतस। ठीक है, अब बचा क्या? आर। तो अपने को पता है कि ये जो डज होता है, डज मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका जो पैसिव होता है ये होता है इज एम और आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि इज एम आर, ये तो इज तो यहाँ है, लेकिन अपने को कैंडल्स, कैंडल्स प्लूरल है, तो कैंडल्स प्लूरल है तो फिर यहाँ आर आ जाएगा, तो आर कैंडल्स मेड बाय हर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसी टाइप से अगर सेकंड फॉर्म का आए ना क्वेश्चन, देखो बढ़िया, इधर देखो, सेकंड फॉर्म का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो इसका बना देना तुम लोग वॉज वर थर्ड फॉर्म। ठीक है,
बहुत अच्छा कर रहे हो सर। प्रीवियस ईयर के ही पेपर रिपीट होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है कि क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन वही रहते हैं, बस क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है। कि मुस्कान कह रही है कि सर इसमें आर क्यों आएगा? देखो मुस्कान, ये जो कैंडल्स है ना, कैंडल्स, कैंडल्स में क्या लगा हुआ है? CANDLES, तो एस लगा हुआ है, तो ये अपने आप में प्लूरल है। क्या है मुस्कान? ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। ये इसका गणित होता है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ाएं। ये देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, नॉट करेक्टली स्पेल्ड। कौन सा ऐसा है जो कि सही स्पेलिंग नहीं है? बिगिनिंग, इंटरमिशन, मिस्टीरियस या मेंटेनेंस, बताइए कौन सा, कौन सा इसमें से, विच इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड नहीं है? बोलो बताओ जल्दी से, इधर उधर मत बातें करो। अजी जी ये देखो, हमें देखो, हमें इसमें से बताओ कौन सा गलत है। ABCD, देखो बिगिनिंग की जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल सही है। आ गया मजा रिचा? आना चाहिए, मजा आना चाहिए जिंदगी का। समझ में कुछ आओगे मत आओ। देखो बिगिनिंग की स्पेलिंग बहुत सही है, BEGINNING, बिगिनिंग, ठीक है। और दूसरी स्पेलिंग है इंटरमिशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इंटर मिशन, ENTERMISION, MISION। मिस्टीरियस और मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस की स्पेलिंग चेक करना जरा, सही है कि गलत है, जल्दी से बताइए सभी लोग। मेंटेनेंस, देखो इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस में एक ही जगह ई आ जाता है बस, है ना? ये जो मेंटेनेंस है ना, इसमें जो ई है ना, इस ई की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ए की जगह ई आ जाएगा। MAINTERNANCE, मेंटेनेंस। बोलो मिस्टीरियस का मतलब होता है मिस्ट्री, होती है ना मिस्ट्री। रात को क्या हुआ था पता है? रात को हम 10 वाली क्लास में पढ़ रहे थे ना अनअकैडमी पे, तो मैं तो जैसे उधर वो बाहर कुत्ता भौंक रहा था, तो मैं कुत्ता देखने चला गया, तो क्या हुआ कि अचानक से ना इस पे ऐसे फोटो बन गया था, ऐसे भूत का, यहाँ पे ऐसे ऐसे भूत बन गया। ये तो अच्छा बना, वो कल तो बहुत खतरनाक बन गया था, वो ऐसे बाल थे उसके खतरनाक वाले। तुम आना देखो रात को 10 बजे, तुमको पता चलेगा। रात को कभी कभी ना भूत लिखता है इसके ऊपर, तो ऐसे भूत का फोटो बन गया था। तो ये चीज क्या है? ये मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस मतलब मिस्ट्री, ये अभी तक पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिस्टीरियस। चल अगला 23वां प्रश्न देखो जरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इजी। अ कंट्रीज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स, देखिए एक कंट्री फ्यूचर मतलब कंट्री के भविष्य की प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब, देखो एक वर्ड आपने देखा था अभी इसी पेपर के अंदर, एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है एक तरह से अशुभ, अशुभ। रात वाली क्लास में कैसे आओगे? देखो रात वाली क्लास में ऐसे आना है कि ये अनअकैडमी का ऐप आप डाउनलोड करोगे, तो इसमें वो बोलेगा व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, तो उसको बोलना एमपीपीएससी एंड व्यापम, ठीक है। जैसे आप एमपीपीएससी एंड व्यापम में जाओगे ना, तो उसके अंदर फिर यहाँ पे क्लास खोलने के लिए कोड मांगेगा, वो ऐसा पेज रहेगा, तो उसको बता देना कोड SHYAM3, SHYAM, और साथ में लगा देना 3, तो आपकी क्लास ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रात को 10 बजे अनसीन पैसेज की क्लास होगी। फ्यूचर कंट्रीज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन टू एक्सटेंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 84/IN, तो इसका सही जवाब होगा अपॉन द क्वालिटी, क्योंकि वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो अपॉन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल। चलिए एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है, अभी निपटा देते हैं अपन। आउट ऑफ द फोर सेंटेंस गिवन बिलो फाइंड द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, जल्दी से बताइए सर। केमिस्ट्री, बिल्कुल केमिस्ट्री की भी क्लास लगाएंगे आपके लिए।
पूजा पूजा द, पूजा न पूजा न फिर द, वाह यार सिंधी भाषा नहीं बोलता हूँ मैं मालवी बोलता हूँ। सर सिनोनिम पढ़ा दीजिए। अरे बाप रे, थ्री का क्या मतलब है? थ्री मेरा कोड वर्ड है ये, मैं बताता हूँ। पिरामिड्स इन इजिप्ट इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स, या आर ओल्डेस्ट, या आर द ओल्डेस्ट, या आर द ओल्डर। तो पहले ओल्डर काटो, ओनली ओल्डेस्ट काटो। अब ये बताओ आर द ओल्डेस्ट आएगा या इज द ओल्डेस्ट आएगा, बस ये बताना है आपको। इससे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद एक और बचा है 25 वाला, 25 और फिर करेंगे अपन कल। सर लेयर थ्री गूगल में नहीं मिल रहा है। जहां से तुमने ये, तुम ये और बाकी के काम तो सब कर लेते हो तुम, जहां से तुमने ये टिकटॉक डाउनलोड करा था, टिकटॉक वहां पे मिलेगा ये, पता है? लेयर थ्री एजुकेशन, टिकटॉक जहां से डाउनलोड करते हो ना तुम। चल आगे बढ़ाइए जरा। प्ले प्ले स्टोर पे मिलता है, ठीक है? चलिए तो फटाफट बताइए। देखिए ये इसका सही जवाब हो गया आपका आर द ओल्डेस्ट, क्योंकि पैरामिड्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अंकिता पटेल, सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते हो? मैं देख रहा हूँ, देखो मेरे हाथों में कमेंट, में देखता हूँ। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, देख लिया बस। चलो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन लेकिन चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जरा। अगला प्रश्न आपके सामने, अ ब्रिटिश वुमेन, देखो जिसको अभी फटाफट पढ़ना है 5 दिन में ना, वो क्रैश कोर्स भी ले सकता है ना, दो 199 वाला अवेलेबल है, जिसको पढ़ना है ले लेना। अ ब्रिटिश वुमेन हैज द 54 विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर, ठीक है? जल्दी बताइए। अ ब्रिटिश वुमेन वॉज द 54 विक्टिम्स, तो बिटवीन द 54, अमंग, बिसाइड्स, या बियॉन्ड, फटाफट बताना है अपने को इसका सही जवाब क्या होगा। बिटवीन, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो पहले तो ये बताओ मेरे को। बैच ओपन नहीं होगा, आप अमित कुमार जी डायरेक्ट वो जो आपने कोर्स लिया है ना उसी में चले जाओ, उसके अंदर ही खुल जाएगा आपको। क्रेश कोर्स की फीस केवल 199 बस, उसमें सभी जो लोग लेट हुए हैं ना उनको सभी चैप्टर मिल जाएंगे उसमें। मैंने और वीडियो और एड कर दिया उसमें, ठीक है? सभी की शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी ना, बढ़िया काम हो जाएगा आपका, 5 दिन में आराम से कर लोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, करने वाले सब कर लेते हैं, ठीक है? चलिए इस नंबर पे आप मैसेज कर देना मनीष सर को, 7499 86, तो वो आपको ग्रुप में भी जोड़ लेंगे और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लास क्यों अटक गई, कहाँ अटक गई? देखो सुनो, इसका सही जवाब होगा अमंग। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये अमंग कैसे आया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अमंग है ये दो से ज्यादा के बीच में यूज होता है, दो से ज्यादा। ये जो बिटवीन होता है ये दो के लिए होता है ना? सर ये जिम ने जाना क्या होता है? जिम ने जाना, खाना खाने जाते हैं अपन फ्री का दूसरों के वहां, शादियां दूसरों की होती है ना, खाना अपन नहीं खाने जाते हैं? शादियां दूसरों की होती है ना, कपड़े नहीं लाते अपन नए, वो वाला बिटवीन दो के लिए होता है, ठीक है? 1 रुपया मेरी तरफ से बहन बेटी को छूट है, वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा काम कर रखा है मैंने, मालूम है? ये तो यूं के चलो तुमको परीक्षा से कम 5 दिन में 1 महीने का पढ़ना मिल जाता है, पता है? ये तो तुम उसको, तुमको यूं लगता है कि वो पैसे लग रहे, पर तुम ये नहीं सोचते हो कि अपन जो 1 महीना जाते ना कहीं, जाने आने में समोसे ही खा जाते इतने, तो दूसरे को ही खिला देते, वो छोरिया ही खा जाती इतने, तो साथ में रहती हूँ। बढ़िया काम कर रखा तुम्हारे लिए मैंने, पर वाह मैं बार बार बोलूँ अच्छा नहीं लगता है। तुम तो पढ़ो, कोई बात नहीं, जैसे तुमको पढ़ना हो। और ये मैंने आपको पूरा एक पेपर करा दिया, ठीक है? रात को 10 बजे आपकी वापस से क्लास होगी, कितनी बजे? 10 बजे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में, कि एक नंबर से सिलेक्शन होता है,
और एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, ये बात भूलना मत। एक नंबर अपने लिए ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। खाते में पैसे आते हैं जमा जम जमा जम, फिर आता है जिंदगी का मजा है। तो ये ऐसी जगह रिस्क नहीं लेना अपने को। अपने को लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए तो पढ़ लो ना, अपने को लगता है कि नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई बात नहीं, सब तुम्हारे ऊपर है, नौकरी तुम्हारी लगेगी, मेरी नहीं लगेगी, मेरी मेरी लग गई है, मेरे को तो ये काम करना ही है जिंदगी भर, है ना। हाँ यार अब इससे काम और क्या होगा, अब और तो मेरे को उठा ले जाओ तुम यहाँ से पकड़ के। ये तो मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ कि भाई ठीक है यार चलो तुम्हारा भी काम हो जाए, ने मेरे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। अभी वो छोरी उसके मामा के वहाँ गई, जो पापा पापा चॉकलेट दिलाओ, 300 रुपये की चॉकलेट हो गई उसके, बोला पापा एक ये ले लो ना यार, पापा यार एक ये ले लो यार, पापा यार पापा एक वो छोटी ले लो ना, मैं तो पापा 4 दिन में आऊँगी, पापा यार मेरे को चॉकलेट कम पड़ेगी यार, तो 300 रुपये निपटा दी उसने, बोला। अब मना भी नहीं कर सकते, छोटी छोरी है, अच्छा नहीं लगता है, पर वाह ठीक है ओके। तो अब हम अगली क्लास आपकी होगी रात को 10 बजे, उसमें हम मिलेंगे ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर रात को 10 बजे, बाय, टेक केयर। और ये पीडीएफ, आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना ठीक है, उस पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा इसको। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसमें भी जुड़ जाना ताकि आपको लिंक मिल जाए ठीक है। ओके ये एक पेपर आपका सॉल्व हो गया, फिर अब अगला पेपर आपका रात को 10 बजे सॉल्व करेंगे, लग जाएगा लग जाएगा। क्रैश कोर्स कहाँ से मिलेगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना आप, मैं इस नंबर पे कर दें, पर वो सर को ही कर देना ज्वाइन होने के लिए, है ना। हाँ शिवानी है ठीक है, ये मेरे नंबर हैं 9997651282, लेकिन वो ज्वाइन होने के लिए आप मनीष सर को मैसेज करना उस नंबर पे ठीक है। चलिए ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर।